वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 55 19 नवंबर 2020 की एसएसटी की करवाने जा रहा हूँ। हिस्ट्री का सब्जेक्ट रहेगा, चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। और आप जैसा कि जानते हैं चैप्टर नंबर 1 का जो नेम है फ्रेंच रिवोल्यूशन है, ठीक है। ये एसएसटी की वर्कशीट रहेगी क्लास 9th की। इससे पहले मैं जो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट थी वो भी ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज की वर्कशीट में आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज की वर्कशीट बहुत ही छोटी है और ये मैथ से रिलेटेड रहने वाली है, ठीक है। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है फ्रेंच, ठीक है, रेवोल्यूशन। तो आपको क्या करना है, जो फ्रांस है ना उसके जो चार प्लेसेस हैं, चार जो शहर है जगह है, उनको आपको मैप में भरनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं चार है, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। देखो वर्कशीट को मैं इसलिए इजी कह रहा हूँ, आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि सारे के सारे जो आंसर है वो लाइन से लिख दिए गए हैं, ठीक है। देखो पहले वाला जो है पेरिस है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से स्पेलिंग, ठीक है। दूसरा जो है वो नैनीताल है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है वो है बोर्डियो, तो ये पूरा का पूरा जो है बोर्डियो है। उसके लास्ट जो है ये है मार्सिले, ठीक है। तो इस तरीके से आप ईजिली यहीं से देख कर पूरा भर सकते हैं लाइन से, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं कुछ नहीं। तो आप करेंगे तो मज़े मज़े में आप सीख भी जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको करते करते याद हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों पेरिस, ये क्या है बच्चों नांतेस, ठीक है। ये कौन सा है बोर्डियो, और ये चौथा कौन सा है आपका मार्सिले, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको चारों समझा दिए। आप जो है शॉप से लाकर ये वाला जो मैप लगा भी सकते हैं, आप बना भी सकते हैं, ठीक है। तो बस इतनी छोटी सी वर्कशीट थी, इतना ही कहना था। और एक बात और कहनी थी मुझे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके कोऑपरेशन से, आप सबके सपोर्ट से आज हम जो हैं 2000 सब्सक्राइबर हो गए, 2K हो गए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से जितना शुक्रिया कहा जाए उतना कम है। आप सबने सब्सक्राइब करके बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और टेक योर साइड डियर स्टूडेंट्स।